भाई आज के टाइम में मार्केट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई है ट्राई को लेके और आपके टीवी को लेके, क्योंकि ट्राई ही एक ऐसी बॉडी है जो टीवी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को देखती है कि प्लान कैसा होगा, कितना महंगा होगा, कितना सस्ता होगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो कि बातों को घुमा फिरा के अपने तरीके से बताते हैं और उसमें क्या है यहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो मैं आपके पास लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन। अगर आप परेशान हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि कितना प्राइस होगा, क्या होगा, मतलब बिल्कुल आपके दिमाग में बवाल मचा हुआ है, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम कितना देना पड़ेगा कौन सा चैनल देखने के लिए। तो देखते रहिए। क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब, हाँ 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 देखो अब। मैं आपके लिए कुछ ऐसा लेके आया हूँ कि यहाँ पे जो आपकी कन्फ्यूजन है वो कुछ हद तक मैं कम कर पाऊँ, क्योंकि मैं जो इन्फॉर्मेशन लाया हूँ वो खुद की मेरी नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट लेके चलूंगा यहाँ पर ट्राई की वेबसाइट पे, क्योंकि अगर ये सारा स्याप पर ट्राई का रचा हुआ है तो फिर बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर कौन दे सकता है, सिर्फ ट्राई दे सकता है कि आपका जो डीटीएच का पैक होने वाला है वो महंगा होने वाला है या कितना मैक्सिमम होने वाला है, कितना मिनिमम होने वाला है, कैसा होने वाला है, जैसा भी होने वाला है वो हम देखेंगे सीधे ट्राई की वेबसाइट पे चल के। तो देखिए यहाँ पे ट्राई ने चैनल सेलेक्टर एप्लीकेशन करके एक वेबसाइट लॉन्च करी है, एक पोर्टल लॉन्च किया और वहां पे जाके आपको जो भी पैक चाहिए, जो भी जैसा भी पैक चाहिए, जो भी चैनल चाहिए, आप अपने पैक में ऐड ऑन कर सकते हो और फिर वहां पे ट्राई आपको बता देगा कि भैया आपका जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है उतना ये होगा। अगर इसके ऊपर कोई भी केबल ऑपरेटर आपसे चार्ज करता है उस पर्टिकुलर चैनल का तो आप सीधे सीधे ट्राई को रिपोर्ट कर सकते हो, वैसे करेगा नहीं लेकिन इन केस। ओके, कमिंग बैक टू टॉपिक, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है channel.try.gov.in। आपकी स्क्रीन पे देखो ये वेबसाइट का लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां भी क्लिक करके जा सकते हो। आप देखो आपकी स्क्रीन पर मैं आपको करके दिखाता हूं कि बेसिकली ये चीज कैसे काम करेगी, ठीक है। तो भाई ये हमने खोल लिया यहां पर ट्राई चैनल सेलेक्टर एप्लीकेशन, इसको खोलते हैं। तो यहां पे भाई ट्राई ने बताया है कि भाई यहां पे किस टाइप के कंपोनेंट होंगे, मतलब जैसा आपका D2H है उसके अंदर अब दो कंपोनेंट होंगे। पहला जो होगा वो नेटवर्क कैपेसिटी फी होगा और दूसरा जो होगा वो पेड चैनल का कंपोनेंट होगा। जो नेटवर्क कैपेसिटी फी है उसके लिए आपको पे करना है 130 रुपीज प्लस 18% GST जो कि हो जाता है अराउंड 153-154 रुपीज, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे दो कंपोनेंट है, लेकिन यहाँ पे हम करके देखते हैं कि बेसिकली ये एप्लीकेशन काम कैसे करता है। तो चलो फिर यहाँ पे करते हैं गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, घबराओ मत, यहाँ पे आप नाम डाल दो, यहाँ पे कोई इशू नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने राकेश नाम डाल दिया अपना। आगे जाने के बाद ये पूछता है आपसे कि आप कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में रहते हो, बिकॉज इसके थ्रू वो क्लैरिफाई कर पाएगा कि आपके सर्कल में कौन सा प्लान या कितने का कौन सा चैनल अवेलेबल है। तो यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ, जैसा मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ तो मैंने डाल दिया दिल्ली, ठीक है। फिर करते हैं कंटिन्यू। अब यहाँ पे कस्टमाइजेशन थोड़ी और पूछता है कि आपको किस टाइप का चैनल चाहिए, लाइक हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, जैसा भी चाहिए आप स्किप भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे हिंदी चाहिए तो मैं हिंदी सेलेक्ट करता हूँ, फिर मैं जाता हूँ आगे कंटिन्यू पे। अब वो पूछता है कि हिंदी में आपको कौन कौन से चैनल चाहिए, मैं बोलता हूँ भाई मेरे को न्यूज भी चाहिए, म्यूजिक भी चाहिए, स्पोर्ट्स मैं इतना देखता नहीं हूँ, मूवीज चाहिए थोड़ी बहुत, इंफोटेनमेंट मम्मी के लिए चाहिए, बच्चे यानी घर में तो हटा दो उसको, जनरल एंटरटेनमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें सिर्फ ये चार कैटेगरी के चैनल चाहिए, ठीक है। इतना सेलेक्ट करके मैं करता हूँ कंटिन्यू। फिर यहाँ पे वो आपसे पूछता है कि आपको HD चाहिए या SD चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे एक HD चैनल इज इक्वल टू 2 SD चैनल। अब जो मैंने सेलेक्ट की है कैटेगरी उसके अंदर जो चैनल है वो 77 चैनल्स है। तो मान लो कि हम यहाँ पे अब चैनल सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो आप रेट भी लिखा हुआ है कि किस चैनल का कितना रेट है, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो कितना होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि यहाँ पे ऊपर 25 चैनल ऑलरेडी सेलेक्टेड है और पे टोटल प्राइस 154 आ गया है, मतलब कि आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो सिर्फ 75 चैनल्स का बचता है। मतलब यहाँ पे 25 चैनल्स जो है वो मैंडेटरी हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि वो कौन से चैनल है, तो यहाँ पे व्यू सिलेक्शन में चलते हैं। अब यहाँ पे देखो 154 टोटल प्राइस आ गया GST सब लगा के। यहाँ पे मैंडेटरी चैनल देख लेते हैं कि कौन से हैं। तो देखो यहाँ पे ये वो 25 चैनल है, सारे DD के चैनल है, लोकसभा राज्यसभा ये जो चैनल है ये मैंडेटरी है, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते। तो आपका जो 100 चैनल का लिस्ट है उसके अंदर ये 25 होने चाहिए, बाकी आपके पास ऑप्शन बचते हैं 75 चैनल्स के। अब वो 75 आप पेड लो या अनपेड लो, जैसा भी लो वो आप पे डिपेंड करता है। तो अभी हम कुछ पर्टिकुलर चैनल ऐड करके देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे ये चैनल चाहिए, तो मैंने इतने चैनल सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद मैं करता हूँ व्यू सिलेक्शन। तो यहाँ पे देखो पहले 25 चैनल थे, अब यहाँ पे
33 चैनल हो गए, मतलब नंबर ऑफ फ्री चैनल 25, नंबर ऑफ पे चैनल्स 8 हो गए। तो अब जो मेरा मंथली प्राइस हो गया वो हो गया 195 रुपीज, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अब यहाँ पे इसके थ्रू मुझे ये पता लग पा रहा है कि जो मैक्सिमम पे करना है मुझे अपने केबल ऑपरेटर को वो करना होगा 195 रुपीज। हाँ, इसमें अगर केबल ऑपरेटर मेरे को कुछ डिस्काउंट देता है आगे से तो ये कम हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा किसी भी हाल में नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बाकी दो ऑप्शन भी है कि यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो उस पेज को, या फिर आप इसको प्रिंट आउट ले सकते हो। तो अगर उस तरीके से देखो तो यहाँ पे चैनल जो है आप थोड़े महंगे हो जाएंगे एज कम्पेयर टू बिफोर, जैसा हमको पैकेज मिलता था वैसा शायद ना मिले, लेकिन वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके केबल ऑपरेटर पे या फिर टाटा स्काई, डीटूएच, जो भी केबल ऑपरेटर्स है ये किस टाइप का प्लान बनाते हैं, ये आपको कैसा बुके देते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है, और समझ में आ गया होगा तो अब आपको क्या करना है कि वेबसाइट पर जाकर चेक करना है। और इसके साथ एक और वेबसाइट है यूट्यूब, उसमें ना एक गैवी फेलो का चैनल है जिस पर मैं बैठा हूँ, उस चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ये दो काम करते ही आपके सारे काम बन जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आगे मिलते हैं कुछ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।